प्यारे बच्चों, कल जामिया डिप्लोमा का पेपर होने वाला है। सारे लोगों को बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था और सबका मैसेज आता था, फोन आता था कि पेपर कब होगा। तो सबका इंतजार खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग जिनका जहाँ लोकेशन होगा, सेंटर जहाँ होगा, वो आज ही पहुँच गए होंगे और कल जब से उनका पेपर है तो अपने सेंटर पे 1-1.5 घंटा पहले पहुँच जाएंगे और अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे। और जो भी गाइडलाइंस दी गई है, ये आपका जो भी कोरोना है, कोरोना जो बीमारी है, इससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है, मास्क, सैनिटाइजर, ये बिल्कुल अपने साथ रखें और सेंटर पे बहुत पहले पहुंचने की कोशिश करें। क्योंकि होता क्या है, सेंटर पे 10 मिनट 15 मिनट पहले आप पहुंचते हैं तो आप अच्छे से रिलैक्स भी नहीं हो पाते हैं और आपको जहाँ भी आपका सेंटर होता है आपको क्लासरूम में जाना पड़ता है और क्लासरूम में आपको आधे घंटे से 45 मिनट आपको रिलैक्स होने में लग जाता है। वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है जिसमें आप अच्छे से रिलैक्स नहीं होते हैं, आपका ब्रेन अच्छे से सोच नहीं पाता है और 45 से आधे घंटे आपका टाइम ऐसे ही चला जाता है। इसलिए सेंटर पर पहले पहुँचने की कोशिश करें, पानी का बॉटल अपना ज़रूर लें और अच्छे से रिलैक्स होके सबसे पहले पानी पी के मास्क सैनिटाइजर एकदम अच्छे से रिलैक्स हो जाए, तब जहाँ भी आपका पेपर है सेंटर पे एंट्री करने की कोशिश करें। ये एक पहली बात होगी। अब आते हैं दूसरे बात पे, जो ड्यूरेशन है, कितने देर का आपका पेपर होगा, वो तो आपको पता ही होगा सबको। 3 घंटे की पेपर होगी और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो आपका टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपका मैथमेटिक्स 67 मार्क्स के होंगे, फिजिक्स 67 मार्क्स के होंगे और केमिस्ट्री 66। आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये 200 हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात ये है कि अटेम्प्ट सबसे पहले किसको करें, मैथ को करें या फिजिक्स को करें या केमिस्ट्री को करें। तो ये तो मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स को लास्ट में करें, ताकि कैलकुलेशन होता है, फिजिक्स में भी कैलकुलेशन होता है और उसी में बच्चे उलझे रह जाते हैं और आपका जो आता है क्वेश्चन वो भी चला जाता है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत उसमें याद करने वाला भी होता है, फॉर्मूला वगैरह भी होता है, तो केमिस्ट्री से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो जो आएगा आएगा, नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़ते जाना है। तो बाद में आप आराम से मैथ करें, सबसे पहला मेरे हिसाब से केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करें, देन फिर फिजिक्स पर आए, देन फिर लास्ट में आपको मैथमेटिक्स करना है। बाकी आपकी मर्जी है, मेरे अकॉर्डिंग यही है। या आप मैथ भी कर रहे हैं तो मैथ भी कर रहे हैं तो जैसे ही मान लो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा वो अगर टफ लग रहा है, दूसरा भी टफ लग रहा है, तो उसमें उलझे नहीं रहना है, आगे बढ़ते जाना है। लेकिन फिर भी हम लोग को लगता है सॉल्व हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा और टाइम खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले केमिस्ट्री को करना चाहिए, देन फिर फिजिक्स कीजिए, लास्ट में फिर मैथमेटिक्स करना है। क्योंकि आपको मिनिमम 30 मार्क्स को लाना है, ये तो है, ये इसमें ये भी लिखा है, आप ध्यान से देखोगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स 30 है, 30 है, तो वो आप केमिस्ट्री से लाओ या फिजिक्स से लाओ या मैथ से लाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री सबसे पहले कीजिए, जितना आता है करते जाइए, देन फिर फिजिक्स में, देन फिर फाइनली लास्ट में मैथ को अटेम्प्ट कीजिए। दूसरी बात, एक और बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन करते जाते हैं और OMR शीट को नहीं भरते हैं, लास्ट में भरते हैं तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है, तो पूरा उनका जो क्वेश्चन उनका करेक्ट भी होता है, सही भी होता है, वो भी गलत हो जाता है। तो इसलिए जब जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसी टाइम जाके OMR शीट को फिल कर दें, इन बातों का ख्याल होना चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का डी है तो डी को जाके उसी टाइम फिल कर दें। मेरे बच्चे सबसे पहले जो OMR शीट मिलता है स्टार्टिंग में भरने के लिए दिया जाता है, उस पर बहुत ध्यान दें, बहुत ध्यान दें, ताकि होता क्या है ना, उसको हम लोग अच्छे से फिल नहीं करते हैं और बाकी अच्छे अच्छे बच्चे भी उसमें छंट जाते हैं, है कि नहीं, अच्छे अच्छे बच्चे छंट जाते हैं, क्योंकि उसको आप अच्छे से फील नहीं करते हैं तो कंप्यूटर तो उसी को लेगा। तो जब जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 25 किया, 25 का सी, तो उसी टाइम जाके OMR शीट को एकदम ध्यान से भर दे, लास्ट में नहीं भरना है, क्योंकि लास्ट में पेपर खत्म हो जाता है, 10 मिनट 15 मिनट बचता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी भरना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, सीक्वेंस गड़बड़ होने की वजह से, या कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग टोटल भर भी नहीं पाते हैं और तब तक आपका टाइम खत्म हो जाता है। अब रही बात इसके बाद, ब्लैक ब्लू पेन पेंसिल भी अपने साथ रखना है, ठीक है। तो यही सब बात है, उम्मीद करता हूँ कि जितने सारे स्टूडेंट हैं, जितने सारे ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे थे, सबका सिलेक्शन जरूर होगा, इन बातों का ख्याल रखना है और सब लोग अपना अपना पिक फोटो भेज दें,
ताकि मैं इस बार दिखा पाऊँ कि हमसे जितने सारे बच्चे इस बार जामिया डिप्लोमा के प्रिपरेशन किए थे, इतने बच्चे हमसे जुड़े थे जिनमें से इतने का सिलेक्शन हो गया, और जिनका नहीं होना है मायूस नहीं होना है, जीत या हार रहो तैयार। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी तो बात होगी।